हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है, मैं एनसीओ ओलंपियाड वर्कबुक क्लास फिफ्थ के लिए वर्कशीट लेकर आ रही हूं, जिसमें हमने चैप्टर फिफ्थ तक कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम देखेंगे चैप्टर सिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सिक्स एमएस वर्ड 2010। बच्चों, मैंने चैप्टर सिक्स एमएस वर्ड 2010 की सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक को सॉल्व करवाया है एंड चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और उसके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं। साथ ही एमएस वर्ड 2010 की प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने डाली है। अगर अभी तक उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसे एक बार देखें, फिर इस वर्कबुक को सॉल्व करें। उस वीडियो की मैं प्लेलिस्ट आई कार्ड में डाल दूंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी, तो उसे एक बार आप जरूर जाकर चेकआउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन ए बुलेट लिस्ट, बी कस्टम लिस्ट, सी नंबर लिस्ट एंड डी मल्टी लेवल लिस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कस्टम लिस्ट। कमांड बटन शो इन ऑप्शन बी इज यूज टू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अगेन अलाइंस टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स एंड क्रिएट्स अ क्लीन लुक इन द पेज। ऑप्शन ए जस्टिफाई द टेक्स्ट, बी एड बॉर्डर्स अराउंड द टेक्स्ट, सी सेंटर अलाइन द टेक्स्ट एंड डी एड आउटलाइन इन द डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जस्टिफाई द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी, क्लिकिंग ऑन सेपरेट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन यूजिंग ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर, Using features you can add, option A drawings, B sound, C 3 movies and 4 line spacing. Option है only A, B both 1 and 2, C both 2 and 3 and D 1, 2 and 3. Correct answer is option D 1, 2 and 3, drawing, sounds and moving. This feature shown in the given image is of clip art, available under insert tab. Question number 5, which of the following tab of the ribbon should you use to insert a symbol like C? Option A view, B insert, C design and D page layout. Correct answer is option B insert. The symbol given in the question of copyright sign, this is copyright sign. You can find it under symbol drop down list of symbols group under insert tab. Question number 6, the given icon is used to, option A apply the page border, B change the color of the text, C color the background behind the selected text or paragraph and D both A and B. Correct answer is option C, color the background behind the selected text or paragraph. Using the shading option available in the paragraph group of home tab, background color of text can be changed. Question number 7, the backstage view of a Word document is shown in the given image. To go back to the document from the backstage view, click on option A W B adjust, C close and D any tab on the ribbon. Correct answer is option D any tab of the ribbon.
Question number 8. Match the following MS Word shortcut key given the column 1 with the operation they perform given in column 2. Column 1 and column 2, option A, Control plus L, center text. Control plus E, align text to right. Control plus R, bold. And D, Control plus B, align text to left. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एल, अलाइन टू लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट एंड कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड अलाइनमेंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 9. How can you increase the line spacing between two lines? Option A, Home tab, Insert group, Space button, Space, Line space button. B, Home tab, Paragraph group and Line space button. C, Insert tab, Insert group and Line space button. And D, Insert tab, Paragraph group or Bullet button. दोस्तों ये बुलेट बटन है, गलती से मैंने लाइन स्पेस बटन कह दिया था. तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप एंड लाइन स्पेसिंग. क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ कर्सर इन द गिवन स्नैपशॉट. हाउ वुड द टेक्स्ट लुक व्हेन यू क्लिक द ड्रॉप्ड ऑप्शन अवेलेबल अंडर ड्रॉप कैप कमांड बटन. We have got plenty of food at present. B, we have got. C and D. So, correct answer is option C. We have got plenty of food at present. Drop cap command create a large capital letter at the beginning number, no matter where the cursor is. ड्रॉप कैप में फर्स्ट लेटर, बिगनिंग लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वह कर्सर कहीं पर भी हो. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू डॉक्यूमेंट व्यू. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Option D is used to add header in the document. Question number 12. Match the icon given the column 1 with the corresponding description given in column 2. Column 1 and column 2. Align the dropped letter of left and wrap the text around the drop cap. Place the dropped letter in the left margin beginning at the first line of the paragraph. C, use the inserting page number. And so correct answer is option A. ये column 1, 2 and so correct answer is option 1. A 1, B 2 and C 3. This is the column, first column to second column. And question number 13. Which of the following statement hold true about header and footer tools? Statement 1. You can specify different header and footer for odd and even numbered pages. Statement 2. You can specify a unique header and footer for the first page of the document. Option A, only statement 1. B, only statement 2. C, both statement 1 and statement 2. And D, neither statement 1 nor statement 2. So, correct answer is option C, both statement 1 and statement 2. Question number 14. Which of the following position of the drop cap features has been represent the given snapshot?
ऑप्शन ए नन, बी ड्रॉप, सी मार्जिन एंड डी आउट मार्जिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्रॉप्ड. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेट द लाइन स्पेसिंग टू 1.5. कट बी सॉरी ए कंट्रोल प्लस 1, बी कंट्रोल प्लस 2, सी कंट्रोल प्लस 3 एंड डी कंट्रोल प्लस 5. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 5. क्वेश्चन नंबर 16. इन प्रिंट लेआउट व्यू यू कैन ऑप्शन ए व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, बी व्यू ओनली द टेक्सचुअल कंटेंट नॉट द पैराग्राफिक्स सी मैक्सिमाइज द एरिया अवेलेबल फॉर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट एंड डी व्यू द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए view the document as it will appears on the printed page. Question number 17. By pressing Ctrl plus Shift plus 8 you can option A show and hide paragraph mark and other hidden formatting symbol, B show and hide pictures dialog box, C insert chart and D display paragraph dialog box. So correct answer is option A. Paragraph mark show symbol for tab space etc. Key combination Ctrl plus Shift plus 8 is used for turning it on or off. Question number 18. You have inserted a bulleted list in a document and you want to change the size of bullet in the list. How can you do this? Option A. Select the bullet and then choose desired size from font size box. B. Select the bullet and press key. C. Selected the bullet and click on option and D both A and B. Correct answer is option A. Select the bullet and then choose desired size from font size box. Question number 19. Which of the following statement is incorrect about header and footer in MS Word 2010? Option A. You cannot insert a picture in header and footer area. B. You cannot apply drop cap features to header and footer text. C. You can insert current data, current date or time. And D. You can specify the height of the header and footer area. So, correct answer is option A. You cannot insert a picture in header and footer area. Question number 20. Which of the following operations allow you to adjust the position of the picture on the page? Option A, B, C and D. Correct answer is option A. Question number 21. Achiever sections. Which of the following tasks can be done with the given features? Option 1. To show symbol to provide a visual representation of a specific formatting in a document. 2. To apply shadow, glow or reflection effect to the text in the document. Option A. Only 1. B. Only 2. C. Both 1 and 2. And D. None of these. Correct answer is option A.
Option A, only one. To show symbol, to provide a visual representation of a specific formatting in a document. Paragraph mark is used for providing visual representation of a specific formatting. Question number 22. Consider the given snapshot. The cursor is after a word warm. What would happen? When you click on the available in the paragraph group, files deleted by a virus, Trojan or worms, a file with the same name exist in the folder. Option A, the file before the first bullet will get deleted. B, a solid line will get displayed between these two lines of text. C, a solid line will get display under the second line of the text. And D, a dashes line will get display after the second line of the text. Correct answer is option B. Bottom border adds a solid line below the current line of the text. Question number 23. Which of the following task can be done with a features? Insert a performatted text box and two, draw a text box. C, add a caption to the text box. Option A, both 1 and 2. B, both 2 and 3. C, both 1 and 3. And D, 1, 2 and 3. Correct answer is option A, both 1 and 2. Question number 24. Select the incorrect match the respect of header and footer tools. Copy the header content to the footer area. Use for editing the header style. C. Navigate to the previous header or footer. And D. Navigate to the next header or footer. So, correct answer is option A. Command button, so is the option A, is used to go to the footer area, so it is incorrect. Question number 25. How can you change a page number style from 1 to 3 or ABC? Option A, go to page layout tab, header and footer group, page number, format page numbers. B, go to format tab, header and footer group, page number, format page numbers. C, go to insert tab, header and footer group, page number, format page numbers. And D, none of these. Correct answer is option C, go to insert tab, header and footer group, page number, format page numbers. So, आज के लिए इतना ही. Please हमारे channel को please like कीजिए, subscribe कीजिए and share कीजिए. और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो आज के लिए इतना ही गाइस. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.